चलिए जियोग्राफी का आज हमारा प्रश्न रहेगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भारत चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम सेतु किन दो देशों के मध्य स्थित है? राम सेतु, जिन्हें आदमपुल भी कहते हैं, एडम ब्रिज भी कहते हैं, राम सेतु भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी की सजा वीर सावरकर हुई थी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं, सिक्किम राज्य जो है वो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। अब अगला सवाल देखते हैं, जियोग्राफी से है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर देखते हैं, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब इसका सही उत्तर देखते हैं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब इसका आंसर देखते हैं, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। सांभर झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि राजस्थान में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा सागर झील जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उस उद्गम स्थल गंगोत्री है, जो कि उत्तराखंड में है। गंगोत्री से ही गंगा निकलती है, जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो इसका सही उत्तर है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कोसी नदी।
कोसी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, इसका सही आंसर देखते हैं, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अभी तो सबसे लंबा बांध पढ़ा हमने, देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सही उत्तर है इसका, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? इसका सही आंसर देखते हैं, टिहरी बांध भागीरथी और भीलांगना नदी के तट पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी और भीलांगना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जंगल जो है बहुत कम पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। भारत का ऐसा हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है कंचनजंगा। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।